दोस्तों आज हम जो वॉल डेकोर बनाने वाले हैं वो काफी एक्सपेंसिव लुक वाला है, ट्रेंडिंग में भी है और हमारे घर को काफी अच्छा कूल लुक देगा। समर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है बनाना और मैंने जो वेस्ट मटेरियल यूज किया है वो आप लोगों के घर में भी इजिली अवेलेबल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। डीआईएस क्रिएटिव डीआईवाई डेकोर बास्केट में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मेघा। चलिए अब डीआईवाई की बात करते हैं। आज मैं एक वॉल डेकोर बना रही हूं जो कि काफी एक्सपेंसिव है, बट हम उसे जुगाड़ से बनाएंगे और चलिए कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्ट क्राफ्ट होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूं, वो भी वेस्ट मटेरियल से, इजी वे में और बजट फ्रेंडली वे में। चलिए अब डीआईवाई शुरू करते हैं। तो आज हम जो भी वेस्ट मटेरियल यूज करने वाले हैं वो कॉपी है। ये मेरा नया कॉपी है, बट मैं एक टिप्स आपको देना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रिंट के जो कॉपी आते हैं ना, कॉपी जब यूज हो जाता है तो इस तरह के फोटो को हम कट करके फ्रेम में लगाएंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे अगर आप मार्केट में देखेंगे तो वो काफी कॉस्टली मिलते हैं इस तरह के। अगर फ्रेम नहीं है तो मैं आगे फ्रेम भी बताऊंगी कॉपी से हम फ्रेम कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंट के होते हैं जिनमें कुछ लिखा नहीं होता है, सिर्फ फोटो रहता है। और ये देखिए, ये वेस्ट कॉपी है जो कि हर बार हम लोगों को जब सेशन खत्म होता है ना बच्चों का, या फिर जो स्टूडेंट है उनका भी अगर सेशन खत्म होता है पढ़ाई का, वो बैक ईयर का सारे कॉपी बच जाते हैं। तो इसके लिए मैं मास्किंग टेप यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम कॉपी को पूरा पैक कर देंगे मास्किंग टेप से। ये देखिए, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, चारों तरफ से हमें पैक कर देना है और इसे स्केल की हेल्प से हम शार्प कर लेंगे ताकि इसके एजेस जो है वो थोड़े शार्प लगे, अच्छा लगे, ताकि फ्रेम का लुक अच्छा आए। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने इस तरह के 6 कॉपीज किए हैं, मैं 6 फ्रेम बना रही हूँ वॉल डेकोर का, तो इसीलिए। और ये मैं वेस्ट पाउडर ली हूँ, ये भी मेरा अब खत्म ही होने वाला। और यहाँ पे मैं फेविकॉल SH ग्लू ली हूँ, थोड़ा सा फेविकॉल आप कोई भी इसमें ले सकते हैं। और ये ना, मैं व्हाइट पेंट एक्चुअली मेरे पास नहीं था तो मेरे पास प्राइमर बचा हुआ था, किचन में पेंट की थी ना वहां से ही, तो उसी को मैं डाली हूँ। आप व्हाइट पेंट यूज कर लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह का पेस्ट हमें बनाना है और इसे हम कॉपी में लगाएंगे। जो भी हमने जो कवर किया है ना कॉपी को, जितना आपको फ्रेम बनाना है आप उतना ही कॉपी लीजिएगा और इसे हम लगाएंगे। तो ये ना तब तक लगाना है हमें जब तक कि ये पूरा प्लेन पूरा व्हाइट कलर का ना हो जाए, और एक कोट जब सूख जाए ना तभी हम दूसरा कोट इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 कोट इसमें लगाना पड़ा था। आप इसकी जगह जैसो भी यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसो जब आप यूज कीजिएगा तो वो एक दो बार में ही हो जाएगा, बट मैं इस यहाँ पे पाउडर का पेस्ट बनाकर की तो वो 2-3 बार मुझे यूज करना पड़ा। आप यहाँ पे वॉल पुट्टी भी ले सकते हैं पाउडर की जगह पे। और ये जो हम पेस्ट लगाएंगे ना वो सिर्फ एक ही साइड लगाना है, क्योंकि इसका दूसरा साइड तो वॉल की तरफ रहेगा। और इसमें ना मैं 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर बना रही हूँ ताकि मैं जो भी पेंट करूँ इसमें या जो भी डिज़ाइन बनाऊँ तो उतना बॉर्डर छोड़कर बनाऊँ ताकि फ्रेम बनाने में आसान हो। तो यहाँ पे मैं बोहो आर्ट बना रही हूँ, तो जिसमें कि हमें कोई भी डिज़ाइन, बोहो आर्ट के लिए हमें कुछ सोचना नहीं होता है, कोई भी डिज़ाइन कोई भी पैटर्न आप बना सकते हैं। और चूंकि समर है तो मैं इसमें थोड़ा सा कूल सीनरी टाइप का होता है ना वो सारा मैं बना रही हूँ। कहीं पे लीफ है, ग्रीन हो गए, कहीं पे खंडर के जो लोकेशन जो लुक जो आते हैं ना, जैसे समुद्र के जो दो वाटर मिक्स होते हैं ना, एक ग्रीन और ब्लू वाला, वो भी मैं बनाई हूँ पहाड़ वाला। और मुझे लगता है कि इसका ना लीफ ही सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है इसका, कि जैसे सारा डिजाइन आप बनाए उसके बाद ऊपर से जो लीफ डालते हैं तो वही एक सीनरी क्रिएट करता है। ये देखिए इस तरह का डिजाइन। यहाँ पे देखिए मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का बनाई हूँ, जैसे कि आप अगर सर्कल ट्रायंगल या कोई लाइंस बनाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में होता है। और उसके ऊपर मैं लीफ दे रही हूँ, तो ये लीफ जो ग्रीन अंदर, आप बहुत सारे कलरफुल डिजाइन दीजिए और ऊपर से ग्रीन लीफ दीजिए तो वो एक सीन क्रिएट करता है। और एक और डिजाइन मैं आपको बताती हूँ जो कि बोहो लुक में बहुत देखा जाता है, इस तरह का डिजाइन। तो जैसा आपको मन हो ना बोहो लुक में आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इसमें आप कहीं से देख भी सकते हैं, जैसे कुछ गूगल से भी देख सकते हैं, कहीं भी आप फ्रेम वगैरह जो है उसके प्रिंट वगैरह और कुछ भी दे सकते हैं। तो ये 2 डिजाइन मैं अपने मन से इसमें बनाई हूँ और बाकी का मैं थोड़ा हिंट मतलब हेल्प ली हूँ गूगल का। तो ये देखिए इस तरह का डिजाइन। ये ना मेरे मन में हो रहा था कि मैग्नेट जो होता है ना उसी का मैं सोच रही थी। और ये देखिए मैंने कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाए हैं, तो अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं पेंट करूँगी तो आपको पता चलेगा।
और इसमें ना दो पेंट मैं मेन रखी हूँ। देखिए ये पाउडर का जो पेस्ट है वही है जो था, इसी में मैं सारे को करूँगी। इससे एक फ़ायदा, आप इसकी जगह वाइट पेंट भी ले सकते हैं, तो मेरे पास तो वाइट पेंट नहीं था। और दूसरा है ना कि पाउडर का पेस्ट जो यूज़ करने से ना हमें थोड़ा सा ये जो चॉक पेंट होता है ना उसका लुक आता है, तो उसका भी लुक थोड़ा मुझे अच्छा लगता है और समर में थोड़ा और वो कूल टाइप का लगता है। तो इसलिए इसमें ना सभी का बेस मैं थोड़ा लाइट ग्रीन रख रही हूँ। आप अपने वॉल के अकॉर्डिंग इसका जो बैकग्राउंड होता है ना वो रखिएगा। मैं सभी में इसी लाइट ग्रीन का यूज़ की हूँ इसके बैकग्राउंड में। तो जो डिज़ाइन हमने बनाया उसे छोड़कर बाकी को हम पेंट कर लेंगे, बाकी एरिया को, ये देखिए। और हमने जो बॉर्डर बनाया वहाँ पे हमें फ्रेम बनाना है, इसलिए उसे हम पेंट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लीफ के लिए जितने भी लीफ को मैं पेंट करूँगी इसी कलर से करूँगी। तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन यूज़ की हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर बिल्कुल थोड़ा सा हमें डालना है जिससे कि थोड़ा और डार्क कलर हो जाए। तो पेंट को आप अच्छे से देखिएगा और ये देखिए मैं थोड़ा ऑरेंज, मतलब ऑरेंज कलर को मिक्स करके सभी को मैंने पाउडर का जो पेस्ट बनाया उसमें मिक्स करके पेंट करी हूँ, सभी पेंट को बनाई हूँ। तो इसी तरह से हम रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह का कुछ भी कलर आपका जो अच्छा कलर, देखिए आपको जिस कलर से कूल जैसा फील हो ना आप वही कलर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं लीफ को पेंट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है और इसी तरह मैं सभी को करूँगी। तो दूसरे का भी बेस मैं इसी ग्रीन कलर से की हूँ और इसमें मैं थोड़ा पिंक ली, थोड़ा सा कलरफुल अच्छा लगता है तो कलरफुल होना चाहिए कि देखने में लुक भी, लुक वाइज भी अच्छा हो और थोड़ा मतलब रिलैक्स भी फील हो देख के। और सारे लीफ को मैं ग्रीन कलर से ही पेंट कर रही हूँ। ये देखिए दूसरा डिज़ाइन हमारा ये है। तो इसमें भी मैं ना जो डार्क ग्रीन बनाई थी ना उसी से थोड़ा लाइट ग्रीन, मतलब थोड़ा सा हल्का कलर वही पेस्ट में डालकर ये नीचे का जो लाइट ग्रीन है ना वो मैं बनाई हूँ। और इसमें रेड कलर दी थी पिंक वाले में और यहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। सभी में मैं पेस्ट को मिक्स करी हूँ। तो ये देखिए और यहाँ पर मैं ना गोल्डन येलो कलर यूज़ की हूँ इस लीफ को कलर करने में। ये देखिए इस तरह ये वाला कलर। तो कलर आप, मैं सारे एक्रेलिक पेंट यूज़ करी हूँ, कलर आप कोई भी दे सकते हैं, आपको जिस कलर से रिलैक्स फील हो आप वही कलर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। ये देखिए इस तरह से कुछ कुछ डिज़ाइन हमें बना लेना है। बहु लुक में आप बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं और जैसा भी आप बनाइए वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं शेड दे रही हूँ तो यहाँ पे हल्का सा ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके हल्का सा, ये देखिए इस तरह का शेड मैं दी हूँ साइड में, तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह लग रहा है ना, एक लुक आता है। और ये ना मुझे थोड़ा मतलब खाली खाली लग रहा था तो मैं सोची कि थोड़ा और कूल होना चाहिए, तो ये मैं जो क्लाइंबर होता है ना उस तरह का मैं बना दी। और इसको मैं थोड़ा स्काई ब्लू कलर से बना रही हूँ, तो मैंने वाइट पेस्ट में ब्लू कलर मिक्स किया और यहाँ पे मैं ग्रीन कलर मिक्स की हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउन कलर ली हूँ। तो वही वाइट पेस्ट में ही मैं सारे कलर को मिक्स करके बनाई हूँ। ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंड में है। मैंने इसका प्राइस देखा, ओह बहुत ज़्यादा, सिंगल पीस का बहुत प्राइस है, मैं देखी हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक गर्ल बनाई हूँ। इसमें क्या होता है ना बहु लुक में कि फेस आपको नहीं बनाना होता है, बहुत इजी होता है, बस आप ऐसे ही हैट वगैरह कुछ इस तरह का बनाइए और पूरे को फेस को मतलब कलर कर देना होता है, तो ड्रेस वगैरह इस तरह से। और यहाँ पे इसके स्किन के लिए मैं बहुत सारा कलर मिक्स करी हूँ तब जाके ये कलर मुझे मिला है। तो इसमें मैं ना एक बार मैं थोड़ा ग्रे कलर बनाई थी ब्लैक एंड वाइट करके, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये कलर सूट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं उसमें थोड़ा सा बर्न कलर यानी ब्राउन का जो आता है ना वो बर्न कलर नाम है उसका, तो मैं वो थोड़ा डाली, फिर उससे भी मुझे नहीं लगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाली। तो इसी तरह से मिक्स मैच करके मैं ये कलर देखी हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से कुछ भी कलर मिक्स मैच करके हल्का हल्का डालिएगा और लाइट कलर थोड़ा बनाइएगा, आप देखिएगा कौन सा कलर सूट कर रहा है तो आप वही कलर इसमें लगाइएगा। और ये देखिए यहाँ पे ना मैं समुद्र का सोच रही थी कि दो मिक्स कलर का जो होता है ना ग्रीन और स्काई ब्लू उस तरह का, और बगल में पहाड़ सोची थी। और यहाँ पे मैं लीफ कर रही हूँ तो हिंट्स मैं भी गूगल से ली हूँ थोड़ा सा इस पे,
क्योंकि ये ट्रेंड में है तो मैं सोची कि थोड़ा सा मिलता जुलता बनाओ। कलर मैं खुद अपने मन से दी हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह हम मिक्स करते हुए चेक करते जाएंगे और कलर को देते जाएंगे जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पहाड़ के लिए मैं लीफ के लिए जो कलर बनाई थी ना ग्रीन, उसमें थोड़ा सा मैं ब्राउन कलर मिक्स करी, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हम शेड बना देंगे ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे, ओरिजिनल मतलब लगे कि हाँ थोड़ा उस तरह। ये देखिए इस तरह से समुद्र का दो वाटर मिक्स वाला है ना, ये देखिए ग्रीन और ब्लू वाला मिक्स, और ये पहाड़। और यहाँ पे मैं थोड़ा फ्लावर वेस बना दी हूँ, रैक बना रहता है उस टाइप का। और यहाँ पे जितने भी पेंट हमने किए हैं उनको डबल कोट करना है, और जो मैंने वाइट पेस्ट जो यूज़ किया है पाउडर का, वो आप वाइट पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये झाड़ू का स्टिक है जो कि हम फ्रेम बनाने में यूज़ करेंगे, तो इसे हम ऊपर का नाप लेंगे और इसे कट कर लेंगे, और फिर साइड का भी जो नाप है ना, जो हमने लाइन, ये देखिए इस तरह से हमें नापना है, दूसरे साइड से नापना है। ये देखिए इस तरह से हमें साइड वाला लंबाई इसकी लेनी है। तो इस तरह से हम दोनों साइड के नाप लेकर, बहुत सारे स्टिक मैंने कट कर लिए हैं, तो इसे ही हमें इसके बॉर्डर पे स्टिक करना है बिल्कुल फ्रेम की तरह। यहाँ पे मैं SH ग्लू ली हूँ और इसे हम SH ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। जहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाया था बस वहीं पे हमें स्टिक करना है। तो यहाँ पे मैं 3-3 स्टिक करी हूँ, और इसे हम मास्किंग टेप की हेल्प से अभी फिलहाल के लिए लगा देंगे, बाद में हम मास्किंग टेप निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड मैं की हूँ, और फिर इधर इस साइड भी हमें कर लेना है। तो ये देखिए चारों तरफ से हम मास्किंग टेप सपोर्ट के लिए लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमें स्टिक कर लेना है। और अब ये हमारा सूख गया है तो हम मास्किंग टेप निकाल लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल एक फ्रेम की तरह बन गया है। तो मैं इसे पेंट करूंगी ब्राउन कलर से, आप चाहें तो इसे ब्लैक से भी पेंट कर सकते हैं और वाइट से भी पेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन ली हूँ, और इसके साइड भी हम पेंट कर देंगे ताकि पूरा एक जैसा लगे, कलर कॉपी दिखे ना साइड से। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया, और अब हम इस पे वार्निश, तो मेरे पास नहीं है, आप वार्निश है तो आप यूज़ कर लीजिए। और मैं यहाँ पे फेविकॉल और वाटर ली हूँ, ये देखिए इस तरह से हमें लगा देना है। देखिए मैं दिखाई हूँ वीडियो में, इस बार फेविकॉल और वाटर को मिक्स करके और पूरे में हम कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि डस्ट फ्री हो जाएगा ये, और मतलब अगर लगता भी है तो हम इसे क्लीन करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। और पीछे हम इस तरह से रोप या फिर वायर हो, जैसे कि फुलझड़ी का वायर हो या कोई भी वायर आपके पास है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल आपको दिखाने के लिए टेप लगाई हूँ, बट आप इसे एमसील से सील कर दीजिएगा ताकि ये कभी निकले ना। और ये देखिए इसका फाइनल लुक, ये देखिए कहाँ ये हमारा पुराना कॉपी और झाड़ू का स्टिक था, और कहाँ ये इतना सुंदर वॉल डेकोर बन गया। और इसका प्राइस अगर देखिएगा तो इतना एक्सपेंसिव है अभी कि हम लोग एक बार सोचेंगे ज़रूर इसे परचेज करने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्ट, क्राफ्ट, होम डेकोर से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, वो भी वेस्ट मटेरियल से, बजट फ्रेंडली वे में, और ईजी भी होता है। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।